गया बाबा। तू जाएगा उस मानवता अस्पताल में मरीज बनकर, और बिस्तर पे पड़े पड़े तुझे ये बयान देना होगा कि गांव की निगरानी कमेटी के लोगों ने तेरा ये हाल किया। तो एक बात और कहना चाह रहा था मैं। बस कितना बोलता है भाई, अरे कितना भाषण दोगे, बोर हो गए लोग, अरे सबको सुलाओगे क्या? ही ओहो, हम तो भूल ही गए थे भाई, आज तो खुशी का माहौल है, तो नौ भाषण अब ओनली जय आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, अब तो तुम पूरी तरह से तैयार हो चुके हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत हमेशा रहेगी अर्जुन। जिस तरह से तुमने आज आर्गुमेंट दिए हैं, सामने वाले के पास तो कोई जवाब ही नहीं। आशिमा, आर यू ऑल राइट? मुझे लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है। ओके, यहाँ तुम आराम से बैठे। मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओगे? या श्योर।
बिल्कुल। सर आप जल्दी लाना। हाँ मैं भी लाता हूँ। ओके इन संदूकों में ना हमारा कागजात और कीमती सामान वगैरह सब है। जिसमें का गैर कानूनी है, का कानूनी है, का तुम्हारा है और का तुमने पब्लिक से चुराया हुआ, ये तो सब भगवान ही जाने। यहाँ क्यों लेके आए हो? अरे बाबा इसको अपने यहाँ पे कहीं रखवा दो ना बाबा। बाबा बड़ी मेहरबानी होगी बाबा। क्यों क्या हुआ? हमारे खास आदमी ने हमको खबर दिया है कि सरकारी लोग हमारे दफ्तर पे ताला लगाने वाले हैं। बाबा इसको कहीं रखवा देना, बड़ी मेहरबानी। और हमारे यहाँ छापा पड़ गया तो क्या हो? अरे बाबा आपके यहाँ हमारा सामान कोई क्यों ढूंढेगा, सोचिए तो। रखवा देना बाबा, बड़ा एहसान होगा आपका हमें। दिगंबर हाँ बाबा, हमारे एहसानों के नीचे दब दब करना, एक दिन तुम कुबड़े हो जाओगे। ए छोरो यो, वो जो आंगन में तुलसी जी का पौधा है ना जी, वहां ये दोनों संदूक गाड़ने हैं। जाओ गड्ढा खोदो। जी बाबू। अब ठीक है? हाँ बाबा। समझा रहे हैं तुम्हें कि बाबा पहलवान को बाबा क्यों कहते हैं। तू जाएगा उस मानवता अस्पताल में मरीज बनकर और बिस्तर पे पड़े पड़े तुझे यह बयान देना होगा कि गांव के निगरानी कमेटी के लोगों ने तेरा यह हाल किया है। तहकीकात होगी, किसको फंसाना है यह हम पे छोड़ दे, समझा? बाबा बाबा ये आप कहा बोल रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। तू जाएगा अस्पताल में मरीज बनकर, क्योंकि अस्पताल में भी हमारे कुछ खास लोग हैं और पुलिस स्टेशन में भी। इसलिए अस्पताल में और पुलिस स्टेशन में हम अंदर से वार करेंगे। वो तीनों डायन, स्नेहा माथुर, मधोक और वो अर्जुन, वो समझ जाए कि बाबा के जो नुक्से हैं ना सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं है, बहुत ऊपर तक पहुंचा है हमारी। वाह वाह वाह, कमाल का सोचा है आपने। वाह वाह, कमाल का सोचा है। अच्छा लगा ना? हाँ बाबा। एक कमी है बस। वो क्या बाबा? कहा है कि दिगंबर जख्मी शरीर पे जख्मों का होना बहुत जरूरी है। कहा है ना, वरना वो जो डॉक्टर नहीं है वो भाप जाएगी। ए बाबा एक बार थोड़ा धीरे से बाबा। अरे बबुआ ये संसार है बे, हिसाब किताब के लिए दो चार तो हड्डी तोड़नी ही पड़ेगी ना। अब लग रहा है जख्मी। हेलो। हेलो स्नेहा, कैसे हो अर्जुन? बहुत खुश। तुम्हारा डबल पिट का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। क्यों?
नहीं ऐसे ही। अच्छा तो उन लोगों को तुमने भेजा? अरे भाई अब देखो पैसों से नहीं तो कम से कम वैसे तो सहायता कर ही सकता हूँ ना। ठीक है। अच्छा सुनो वो तकनीकी सहायता भी देंगे, कुछ एक्सपर्ट्स भेजेंगे गांव में जो गांव वालों को ट्रेनिंग देंगे, उनको समझाएंगे कि स्वच्छता जो है वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाला है। अर्जुन तुम मुंबई गए थे वकील बनने पर बन गए हो स्वच्छता के सेल्समैन। एक बात कहूं तुमसे स्नेहा, ये जो काम तुम कर रहे हो ना इसकी वकालत करने में जो सुकून है वो तो बड़े से बड़े केसेस में भी नहीं है। क्या कहूं मैं अर्जुन, तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए। जिस दिन तुमने मेरा हाथ थामा था ना बस उसी दिन मकसद मिल गया। अच्छा चलो मैं, मुझे कुछ काम है, तुम फ्री होकर कॉल करना। हाँ कॉल तो कर लूंगी पर उठाओगे तुम? कैसी बातें कर रही हो उसने यार? कुछ नहीं मैंने कॉल किया था पर शायद नेटवर्क इशू रहा होगा। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। जाने दो अर्जुन तुम्हें काम है ना, मैं बाद में कॉल करूंगी। अब यप हेलो हेलो मामा पहलवान। अरे हम अपना नाम जानते हैं, तू अपना नाम बता, कौन बोल रहा है? मेरा नाम जान के क्या करोगे? अरे तो फोन क्यों किया था? दिगंबर को खोज रहा हूँ मैं। यहाँ कोई दिगंबर नहीं रहता। तो कहाँ होगा? अरे हमें क्या पता कहाँ होगा भाई, तुम्हें सब पता है बाबा। उसकी संपत्ति के एक एक कागज तुम्हारे पास है ना सुरक्षित। ये किसने कहा तुमसे? मुझे सब पता है। मुझे तो ये भी पता है कि दिगंबर जी की बाइक खड़ी है पुलिस थाने के सामने, है ना? अरे तो हम क्या करें भाई ये बताओ। दिगंबर जी का पता बता दो प्लीज। हम जानते ही नहीं दिगंबर को, कौन दिगंबर? तो किसको पता होगा? हेलो ससुर का ना धीमत हो, जब देखो बाबा पहलवान से नौटंकी। इस स्वच्छता की अदालत में स्वच्छता से जुड़े हुई जो भी समस्याएं हैं हम उन्हें उठाएंगे और उसका हल ढूंढेंगे। ठीक है तो आपकी जो भी क्या मैं जान सकती हूँ ये क्या हो रहा है? कृपा करके आप स्थान ग्रहण करें। यहाँ? हाँ आप कहिए। अब आप मुझे बताएंगे ये सब क्या हो रहा है? स्वच्छता की अदालत है, इसमें हम लोग गांव की स्वच्छता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे और आपस में मिलकर उसका हल ढूंढेंगे। अच्छा तो फिर आज का मुद्दा क्या है? अली और मुस्तफा, उन दोनों का मुद्दा आप हल करेंगे? दोनों भाई एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते और आप उनका मुद्दा हल करेंगे? दोनों आ रहे हैं। चमत्कार, ये कैसे हो गया? चमत्कार है, हो गया। स्नेहा दी आप ही के लिए रुके हुए सब, यानी वो दोनों यहाँ आने के लिए मान गए? बिल्कुल, मैंने उन्हें प्यार से समझाया और वो मान गए। वो कैसे? मुस्तफा जी का बेटा है ना आरिफ। हाँ उसकी एक ही शर्त थी कि उनका केस उन्हीं का वकील लड़ेगा। और कौन है उनका वकील? समीर। यानी कि तुम और समीर उन दोनों भाइयों का केस लड़ो। अच्छा है, मजा आएगा, चलो। चलिए अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। ये जो नक्शा मैंने आपको दिया है ये हुसैन निवास का नक्शा है और जैसे कि सारा गांव जानता है इस निवास में एक परिवार रहता है। यहाँ एक नहीं दो परिवार रहते हैं, दो भाइयों के परिवार जिनमें आपसी फूट है और ये बात सारा गांव जानता है। और इस फूट की वजह क्या है? इनके बीच 7 कमरे हैं एक आंगन को घेरे हुए, हर भाई के परिवार का 3 कमरों पर हक है। और 7वां कमरा? वो सबसे बड़ा कमरा है जिसे गोदाम कहते हैं, उसी कमरे को लेकर इन दोनों भाइयों के बीच में तकरार है। कोई तकरार नहीं है,
हमारा दावा है कि इस कमरे पर सिर्फ और सिर्फ अली भाई का हक है, क्योंकि वो बड़े भाई हैं और ज्यादा समय तक वो इस घर के मालिक रहे हैं। और हमारा दावा है कि उस कमरे पर हक इन दोनों भाइयों का बराबरी का होना चाहिए, इंसाफ भी यही कहता है। आप दोनों भाइयों का इस बारे में क्या कहना है? ये तो कोई नहीं जानता स्नेहा जी। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। सरपंच जी, आपने तो इस जगह का मुआयना किया है, आपको क्या लगता है? जैसा कि बताया है कि 7 कमरे हैं एक आंगन को घेरे हुए, पर उसी घर के बाहर 4 गज की दूरी पर एक छोटा सा टीला है जहां से सिर्फ और सिर्फ बदबू आती है। ऐसा क्यों? नेहा जी, पूरा परिवार उसी टीले के पास शौच के लिए जाता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये अदालत एक स्वैच्छिक संगठन है। इस गांव के मुद्दों पर चर्चा करना और उनका हल निकालना ही हमारा लक्ष्य है। ये अदालत कोई फैसला नहीं सुनाती, सिर्फ सलाह देती है। यहाँ जो भी आते हैं अपनी मर्जी से ही आते हैं। मैं भी अपनी ही मर्जी से आया हूँ और आप लोग जो बोल रहे हैं वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। देखिए, जहां तक इस अदालत का सवाल है और आप लोग स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। मैं इस अदालत के फैसले को मानूंगा, लेकिन एक शर्त है कि वो फैसला एक तरफा ना हो। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस अदालत की ये सलाह है। हमारा ये मानना है कि वैसे तो 7 कमरों का घर बहुत ही आलीशान माना जाता है, लेकिन अगर उस घर में शौचालय ना हो तो वो उजाड़ ही रहेगा। वो तो आपने सही कहा, लेकिन इसका उपाय क्या है? मैं आप दोनों भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या बेहतर आपस में यूं गंध फैलाना या फिर ऐसी खुशबू फैलाना जिसे ना सिर्फ आप दोनों का भला हो बल्कि इस पूरे गांव का फायदा हो? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस गोदाम की जगह हम 4 2 पिट वाले शौचालय बनवा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल दोनों परिवारों के लोग कर सकते हैं, अगर आप दोनों की रजामंदी हो। अली भाई, आप अकेले क्या कर सकते हैं वो छोड़ दीजिए। मुस्तफा भाई, आप भी अकेले क्या कर सकते हैं वो भी छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि आप मिलकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। अली भाई, मुस्तफा भाई, आप भी कुछ बोलिए, क्या ख्याल है आप लोगों का? मुझे मंजूर है, मुझे तो ये भी याद नहीं कि हम दोनों में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ। मुझे भी मंजूर है, स्नेहा जी ने सच ही कहा था कि स्वच्छता की शुरुआत सही सोच से होती है। लोग भी मिले।
आज की कहानी हमारा ध्यान एक अहम विषय की तरफ खींचती है, और वो विषय है मकसद। अर्जुन को मकसद मिला तो उसने अपना रुख गांव की तरफ कर लिया। बड़ा शहर, बड़ी शोहरत, बड़े पैसे को आसानी से ठुकरा कर। और साथ ही हमने देखी दो भाइयों की कहानी, एक जमीन के टुकड़े के पीछे अली और मुस्तफा सालों साल आपस में लड़ते रहे, इस हद तक कि उनका मसला हमारी स्वच्छता की अदालत तक पहुंच गया। और फैसला क्या था कि दोनों के परिवार की खुशी के लिए उस जमीन के टुकड़े पर शौचालय बनाए जाए, और दोनों भाई पल भर में मान गए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी एक मकसद मिला। ये जादू है मकसद का, जो अपने आप में एक प्रेरणा भी है और मन की शांति भी। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।